नमस्कार साथियों, वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग वैक्सीन सीरीज़ पर काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे अच्छे सेशंस आपके लिए यूट्यूब पर अवेलेबल करवा दिए हैं। और इस सीरीज़ में लगातार हम चलते जा रहे हैं। एग्ज़ाम डेट चाहे जब भी हो, हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। नए अपडेट्स के साथ ये सीरीज़ पूरी होगी और आपके लिए साथ में बेसिक्स की सीरीज़ भी है और दूसरा टॉपिक वाइज सीरीज़ भी आपके लिए लेकर आए हैं हम। वो भी आप देख सकते हैं, कहीं भी किसी टॉपिक में डाउट हो, अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहते हैं तो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोशिश की जाएगी वो आपको अवेलेबल करवाया जा सके। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि 18 पुरुष 26 दिनों में एक काम को कर सकते हैं तो उसी काम को 13 पुरुष कितने दिनों में करेंगे। ये क्वेश्चन MDH पर बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें एक कंडीशन ली जाती है, उसके इक्वल में दूसरी कंडीशन ली जाती है। जितना काम पहली कंडीशन में होता है उतना ही काम दूसरी कंडीशन में जनरली करवाया जाता है। तो MDH इज इक्वल टू MDH लिया जाता है। पहले कंडीशन का MDH दूसरे कंडीशन के MDH के इक्वल किया जाता है। इसमें देखते हैं M कितना है हमारे लिए। M है 18, M लिया जा रहा है 18, और डेज कितना लिया जा रहा है, 26 डेज लिया जा रहा है। ये पहली कंडीशन का M इंटू डी है। तो वैसे ही दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, 13 आदमी M इंटू डी, डी हमने डी ले लिया, कितने दिनों में पूरा कर सकता है। 13 से कैंसिल आउट करोगे गाइज, ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 इंटू 18, 18 दुनी 36, तो कितने दिन में बचा हुआ काम, सॉरी 13 लोग ये काम को पूरा कर देंगे, 36 दिन में कर देंगे। बिल्कुल सीधा सीधा इजी सा क्वेश्चन ये पूछा गया था। बढ़ते हैं हम आगे। 270 को दो भागों में इस तरह से बांटा गया है कि पहले भाग के 3 गुने और दूसरे भाग के 2 गुने का योग 630 है। ठीक है, देखते हैं। अगर हम दोनों भाग ए और बी ले लें, ए प्लस बी इज इक्वल टू 270, ये पहला भाग, दूसरे पहला कंडीशन, दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट का 3 टाइम्स और सेकंड का 2 टाइम्स, मतलब 3A प्लस 2B इज इक्वल टू कितना बोल रहा है हमसे, 630 बोल रहा है। अब इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, या तो हम ये सीधा सीधा ज़्यादा दिमाग ना लगाकर ये सोचें कि ए और बी मिला के 270 है, तो ए इज इक्वल टू 270 माइनस बी रखें। क्या पूछ रहा है, छोटा वाला पार्ट पूछ रहा है, अपन को पता नहीं है दोनों में से छोटा कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2b है, इसका अगर हमें सीधे सीधे यूज़ करना है तो नीचे वाले इक्वेशन को a और b के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो नीचे वाले इक्वेशन में 3a और 2b है, तो क्यों ना अपन इस 3a को भी किस में कन्वर्ट कर लें, 2a और a में। तो इसे हम लिख लेंगे a प्लस 2a प्लस 2b। तो ये 2a प्लस 2b क्या दिख रहा है हमें, फर्स्ट इक्वेशन का डबल दिख रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 540 इज इक्वल टू 630, 540 यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, 630 में से 540 घटाओगे, ये बचेगा 90। अब देखो यहाँ हम टिक कर देंगे, 90 हमारा आंसर होगा, 90 हमने टिक कर दिया, मुस्कुराते हुए टिक किया। अब हमें कैसे पता कि दूसरा जो पार्ट होगा वो बड़ा होगा, देखो 270 को अगर दो इक्वल पार्ट में बांटोगे वो होगा 135 135, एक तो 135 और 135। अगर 135 से पार्ट अलग अलग कहीं जाते हैं तो एक पार्ट छोटा होगा तो दूसरा अपने आप बड़ा हो जाएगा। एक अगर 90 हो रहा है तो दूसरा 135 से ऊपर जाएगा, वो जितना घटा 40 घटा वो अगले वाले को मिल जाएगा। तो यहाँ छोटा वाला पार्ट क्या होगा, 90 होगा, जो हमें मिला है। बिना सोचे समझे टिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे, यही हमारा आंसर होगा। मुस्कुराते हुए आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक रेखा जो कि 10 सेंटीमीटर लंबी है, लाइन बनाते हैं एक, वो बोल रहा है 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन को 3:5 के रेशियो में डिवाइड करना है। 3:5, एक तरफ 3 हिस्से, एक तरफ 5 हिस्से, और क्या बोल रहा है, दोनों परिणामी रेखाओं की लंबाई क्या होगी। 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, अगर 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन है तो हम देखें टोटल यहाँ कितना, 8 यूनिट है, 8 यूनिट को बोल रहा है 10 सेंटीमीटर। अगर 8 यूनिट को 10 सेंटीमीटर बोल रहा है गाइस, तो हमसे क्या पूछ रहा है, दोनों भागों की लंबाई हमसे पूछ रहा है। हमने ऑप्शन की तरफ देखा, ऑप्शन की तरफ देखा, ये सारे पार्ट अलग अलग,
आगे भी सारे पार्ट अलग अलग, मतलब हमें सिर्फ एक पार्ट निकालना है, कोई भी एक पार्ट निकालना है। अपन छोटा पार्ट कौन सा निकाल लेते हैं, 3 निकाल लेते हैं अपन, तो 3 यूनिट अपन निकालेंगे। 1 यूनिट निकालने के लिए क्या होगा, 10/8, और 3 यूनिट निकालने के लिए इंटू 3 हो जाएगा। 8 से इसको कैंसिल करोगे, ये हो जाएगा 1 पॉइंट बचेगा, 2 बचेगा, 2, फिर उसके बाद 4 बचेगा, 5, 1.45 इंटू करोगे 3.75। देखते हैं किसी ऑप्शन में दिखेगा, ऑप्शन नंबर डी, मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ये हमारा आंसर होगा। दूसरा पार्ट आप निकालना चाहें आप सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व किया जा सकता है। बढ़ेंगे आगे मुस्कुराते हुए, क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना वह टी से बड़ा है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये एक डेफिनेट पैटर्न का क्वेश्चन है, कहीं भी मिलेगा अप्रोच हमारा हमेशा एक ही होना चाहिए। अब डाटा हमें क्या दे रहा है, ये यदि आर और टी का योग 50 है, देखते हैं पहले तो इसी को बनाने की कोशिश करते हैं। यदि क्यू आर से उतना ही छोटा है जितना वह टी से बड़ा है, मतलब क्यू कहाँ पर आ रहा है, कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है, टी से बड़ा है और आर से छोटा है। ये डिस्टेंस अपन मान लेते हैं एक्स, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अपन एक्स ले लेते हैं, एक्स ले लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, आर और टी की आयु का योग 50 है, आर प्लस टी इज इक्वल टू 50। अब ये नहीं बताया है कि कैसे होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्या लिख सकते हैं, टी प्लस एक्स प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और टी और आर ये पूरा कितना दे रहा है अपन को मिला के, टी और आर का योग अपन को दे रहा है, सॉरी हाँ, टी में एक्स मिला दोगे फिर एक्स मिला दोगे तो कहाँ पर पहुँच जाओगे, आर के पास पहुँच जाओगे। और टी और आर कितना दे रहा है, टी प्लस आर दे रहा है अपन को 50, ये दोनों मिला के दे रहा है अपन को 50। ये 24 और 26 भी हो सकते हैं, ये 20 और 30 भी हो सकते हैं, ये 16 और 34 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये नहीं पता है एक्स क्या है, कितनी एक्स हो सकती है, ये अपने पास कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन अगर अपन से क्यू के बारे में जानना चाहे तो इन दोनों का हाफ होगा क्यू, कितना होगा, ये हो जाएगा क्यूब 25, दोनों के बीचों बीच। हमेशा आपसे अगर कभी भी बीच वाला पॉइंट पूछा गया है तो और छोर का जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे, बीच वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक वैसे जैसे आप कभी रुमाल का आपको बीच वाला पॉइंट चाहिए, आप क्या करते हो, दोनों को और छोर को मिलाया और आधा कर दिया, बीच वाला पॉइंट आपको मिल जाता है। पेजेस को मोड़ने में भी इस तरह से मिलता है आपको, तो वही प्रैक्टिकली यहाँ पर होगा। अब हमसे जानना क्या चाहता है, दोनों का डिफरेंस जानना चाहता है, डिफरेंस हम नहीं बता सकते, हो सकता है 2 हो सकता है 4 हो सकता है 8 हो, 25 से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे दोनों, एक उतना छोटा होगा एक उतना 25 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम आंसर बताने की स्थिति में नहीं है, तो हम बोलेंगे डाटा हमारे पास पर्याप्त नहीं है, डेटा इज इनसफ। बढ़ेंगे आगे एक बाजार सर्वेक्षण में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इनसफिशियंट तुक्के में लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि निकाल नहीं सकते तो ये लगता है हमेशा कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन विश्वास रखें, भरोसा रखें खुद पर, आया है, टिक कर आगे बढ़ेंगे। एक बाजार में सर्वेक्षण से पता चला 20% ने उत्पाद ए को चुना, ए को पसंद करने वाले लोग कितने, 20%। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, 60% ने बी को चुना, बी को सिलेक्ट करने वाले कितने लोग हैं, 60%। टोटल कितने लोग होते हैं हमें पता है, 100%। अब यदि जिन्होंने उत्पाद बी को चुना है और जो अनिश्चित है, इनडेफिनिट, 100 है टोटल, तो इनडेफिनिट कितना हो जाएगा, 20%। अब क्या बोल रहा है, जिनने बी को चुना है जो इनडेफिनिट है, अनिश्चित है अभी भी, उन लोगों के बीच का डिफरेंस, यहाँ देखो डिफरेंस अगर देखने की कोशिश करोगे दोनों के बीच में डिफरेंस परसेंट के हिसाब से कितना आ रहा है, 40%। यहाँ क्या बोल रहा है, 720, मतलब 40% इज इक्वल टू 720, तो 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 18।
क्या जानना चाहता है हमसे? लोगों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। शामिल कितने लोग हैं? जो अनिश्चित हैं 100% वो जानना चाहता है कितने लोगों को शामिल किया। 100% दो जीरो और चिपका देंगे, दोनों तरफ दोनों दो जीरो चिपकाएंगे, ऑप्शन मिल जाएगा हमें 1800, ऑप्शन नंबर ए। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि बी उस पर 12 दिनों तक काम करता है तो ए हमसे बोल रहा है 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी 15 दिन में पूरा कर सकता है। काम किसने स्टार्ट किया? बी 12 दिनों के लिए काम करता है, मतलब 15 दिन अगर ये बी काम कर देता काम पूरा हो जाता। अभी कितना कर रहा है? 12 दिन कर रहा है। हम देखते हैं 12 दिन में काम कितना हो जाएगा। तो वर्क डन हम देखते हैं, वर्क डन 15 हो गया, कितने सॉरी 12 हो गया, किस में से? 15 में से। या हम इसको क्या बोलेंगे, कैंसिल करके 4 हो गया आउट ऑफ 5। पांच में से चार काम हो गया तो बचा कितना? पांच में से एक काम और बचा। आगे क्या बोल रहा है? और फिर कार्य छोड़ देता है, तो अकेला ए बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा? ए के बारे में अगर अपन देखें गाइस, तो ए का एक काम कितने दिन में हो जाता है? 18 दिन में हो जाता है। काम कितना करना है उसको? रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 1/5, 1/5। तो 1/5 वर्क अपन को कंप्लीट करवाना है, तो 18/5, 18/5, 3 से 5 से भाग लगाओगे, 3 बार जाएगा, बचेगा 3 और 5 से भाग लगा रहे हो। देखो कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। मुस्कुराते हुए टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, सबसे हलवा टाइप का क्वेश्चन जो शायद इस सीट में और क्वेश्चन पेपर जिसमें ये आया था उस दिन ये पूछा गया था। 5 और 3 के स्थानीय मान का योग बताओ, प्लेस वैल्यू का सम बताना है 5 और 3। तो जिस प्लेस की वैल्यू से उसको उतना पढ़ा जा रहा है वो होता है प्लेस वैल्यू। जैसे 5 के बारे में हम बात करें, ये 5 यहाँ पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, इसको कुछ भी पढ़ोगे 500, यहाँ 5 के साथ जब भी पढ़ोगे आप क्या बोलोगे? 500। और इस पोजीशन पर कुछ भी आ जाता उसको अपन क्या वही बोलने लगते? 4 आ जाता तो 400, 7 आ जाता तो 700, 700 बोलने लग जाते। तो इस पोजीशन की वजह से 5 में क्या वैल्यू है? 500, 500। फिर 3 के बारे में देखोगे तो 3 में कितना दिख रहा है? 3 लाख दिख रहा है, 3 लाख, 3 लाख दिख रहा है 3 का स्थानीय मान, तो 3 लाख लिख देते हैं, 3000000। ऐड करोगे इसको आ जाएगा 300500, हमारा आंसर। दोनों का सम पूछ रहा है, बस इतना सा क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन प्लेस वैल्यू आना चाहिए तभी ये क्वेश्चन हो सकता है। मुस्कुराएंगे, टिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, एक टी शर्ट 216 रुपये में बेचकर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस हमेशा होगा 100%, क्योंकि जो भी लाभ हानि है वो कॉस्ट प्राइस से देखा जाता है, कीमत से देखा जाता है। वो बोल रहा है 4% लॉस पर बेचा, मतलब कितने परसेंट में बेचा? 96% में बेचा। और फिर क्या बोल रहा है हमसे? 12% लाभ पर उसे टी शर्ट बेचना है, 12% प्रॉफिट पर बेचना है, मतलब बेचना कितने में है एक्चुअली में? 112% पर बेचना है। हम देखते हैं डाटा क्या दे रहा है, जब 4% लॉस पर बेचा तब प्राइस कितना था? 216, मतलब 96%, 96% है 216, तो 1% कितना होगा? 1%। हालांकि इसको सीधे लिखा जा सकता था लेकिन लिख देते हम, कोई बात नहीं। निकालना कितना परसेंट है? 112% निकालना है, 112% निकालना है, 216/96 × 112। 96 को कैंसिल करोगे 24 से 4 टाइम्स, ये 24 से 9 टाइम्स, फिर 4 से कैंसिल करोगे इसे 28, ये हो जाएगा 28 × 9 = 252। उम्मीद है कहीं भी ज़्यादा प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं आई होगी। आंसर देखेंगे 252 किस कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे।
एक रेल 3 घंटे के लिए 50 किलोमीटर से चलती है, फिर उसके बाद 2 घंटे के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। इसमें किलोमीटर ठीक है, हाँ, कि चाल से 70 किलोमीटर प्रति घंटे होना चाहिए, वहाँ भी प्रति घंटे होना चाहिए क्योंकि स्पीड की बात कर रहा है। तो पूरे 5 घंटे में कितना चला? 3 घंटे में चल रहा है 50 के हिसाब से, तो 50 का 3 में गुना करोगे कितना चलोगे? 150 किलोमीटर। 75 के हिसाब से चला 2 घंटे, कितना चल लोगे? 150 किलोमीटर। टोटल पूछ रहा है कितना चल लिया, तो टोटल कितना चल लिया? 300 किलोमीटर या 300 किलोमीटर किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये शायद और भी सिंपल क्वेश्चन था जो पूछा गया था इस सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान दिशा में जा रहे 2 स्कूटर को एक ट्रेन पार करती है। यदि 30 सेकंड में रेल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 सेकंड में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करती है, स्कूटर को पार करती है, तो रेल की लंबाई पूछ रहा है। अब 2 कंडीशन है। इस तरह के क्वेश्चंस में हम देखेंगे कांस्टेंट क्या पार्ट आ रहा है दोनों कंडीशन में। अब दोनों कंडीशन में पार करने वाली ट्रेन क्या है? एक ट्रेन की स्पीड सेम होगी, लेकिन यहाँ पर 2 स्कूटर को पार कर रही है, जो स्कूटर की उनकी खुद की स्पीड है और सेम डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, तो स्पीड पर तो हम बात कर ही नहीं सकते। फिर क्या पार कर रही है? फिर जो लंबाई है, क्योंकि स्पीड जो स्कूटर की लेंथ है उसको क्या लिया जाएगा? 0 लिया जाएगा। तो ट्रेन पार किसको कर रही है एक्चुअली में? अगर ये स्कूटर है तो ट्रेन इस तरह से पार कर जाएगी। पार करने में क्या लिया जाएगा? लंबाई किसकी ली जाएगी? ट्रेन की लंबाई ली जाएगी। तो दोनों कंडीशन में एक ही ट्रेन है तो लंबाई बराबर होगी। लंबाई मतलब होगा यहाँ पर डिस्टेंस। तो D1 इज इक्वल टू D2 कंसीडर करना पड़ेगा, अपन को लेना पड़ेगा। और डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड कैसा होगा? जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं स्पीड कम होता है। पहली कंडीशन में स्पीड हम लेंगे, ट्रेन का स्पीड ले लिया हमने S1 माइनस, समान दिशा में चाल घटेगी 60, और ये किलोमीटर पर आर में, इसलिए 5/18, जिसका कोई भी फर्क आगे नहीं पड़ना है क्योंकि इक्वल कर रहे हैं हम, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे भी चेंज होगा यूनिट। फिर क्या है, कितना सेकंड में? टाइम कितना आ रहा है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये सिंपल सा रिलेशन है, इसमें पुट करना अपन को। टाइम कितना बोल रहा है? कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। लिख दिया 30 सेकंड। अगली कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना? S1 माइनस 90, और इसे चेंज करें किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में, 5/18 इनटू टाइम। कितना सेकंड लिया? 45 सेकंड्स लिया। सॉल्व करते हैं, ये तो कैंसिल सीधा सीधा हो जाएगा। अब क्या बचा? 30 को कैंसिल किया 15 से 2 टाइम्स, 45 को 3 टाइम्स। अंदर इनटू करते हैं, 2S1 माइनस 120 इज इक्वल टू 3S1 माइनस 270। ये 2S1 यहाँ आके बचेगा S1, और ये 270 यहाँ आएगा, 270 माइनस 120 ये बचेगा 150। तो ट्रेन की स्पीड कितना आ रहा है हमारे पास? 150 किलोमीटर प्रति घंटे, 150 किलोमीटर पर आर। लेकिन क्या पूछ रहा है? ये तो मीटर में, मतलब ट्रेन की लंबाई जानना चाहता है, और यही लंबाई क्या है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस के 2 रिलेशन हमने लिखे, चाहे D1 निकाल लो या D2 निकाल लो, एक निकाल लेते हैं अपन। अपन इसी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसमें S1 की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। D इज इक्वल टू S1 की जगह अपन लिखेंगे 150 माइनस 60 और 5/18 इंटू 30। ये कितना बचेगा? 150 माइनस 60 करोगे 90 बचेगा, 90 को कैंसिल करोगे 18 से, 18 से 90 को काटोगे, 5 बार कट जाएगा, 5 का 5 में गुणा करोगे 25, 25 का 3 में करोगे 75, 75 और 0 एज इट इज़, ये आ जाएगा मीटर में 750 मीटर। देखें कहीं है, हाँ, ऑप्शन नंबर D। मुस्कुराएंगे, टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी और प्रेम के पास कुल 300 रुपये हैं।
हालांकि अभी को 400 रुपये देना है। देखो जब भी इस तरह की कंडीशन का क्वेश्चन दिखे ना, इस तरह क्या ऐसी कंडीशन के क्वेश्चन जिसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता, तो एक बार उसको ऑप्शन की तरफ आप जरूर देखा करें कि वो ऑप्शन से सॉल्व हो सकता है। और ऐसे क्वेश्चन के ऑप्शन से सॉल्व होने के 99% चांसेस होते हैं, जनरली उनमें ध्यान ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। देखते हैं ये क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व हो सकता है क्या। दोनों के पास 3000 रुपये, हालांकि अभी को 400 रुपये देने के बाद प्रेम को पता चलता है कि अभी की धनराशि का उसके पास कितना बचा है, 1/4 बचा है। पहले तो हम तो वर्तमान में अभी के पास कितना है, अभी के पास जो भी है 400 रुपये मिलने के बाद ये है, तो दूसरे वाले के पास कितना होगा वो अपन देखते हैं। उसका 1/4 बोल रहा है, तो यदि ऐसा है तो वर्तमान में अभी के पास कितनी धनराशि है, 400 रुपये मिलने के बाद है, 400 रुपये मिलने के बाद उसके पास कितना बचा, 1/4 बचा। देख लेते हैं 1/4 वाली कंडीशन किस में आ रही, जिसमें आ रही होगी वही आंसर होगा 1600, तो दूसरा 1400, 1400, क्योंकि टोटल कितना है 3000 है, 2400 बचा कितना 600, देखो 1/4 है, बिल्कुल है 1/4, तो ये ऑप्शन अपना बन रहा है, आंसर हो सकता है 2000, ये 1000 आधा आ रहा है, नहीं हो सकता, पहला तो हो ही नहीं सकता, 1500 और 1500 बराबर हो जाएंगे, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। कोई भी सॉल्यूशन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होगी, जैसा कि कमिटमेंट था आपको कंसेप्ट भी बताएंगे और आपको ट्रिक भी बताएंगे, तो ये क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व होगा। और देखेंगे क्वेश्चन जहाँ ट्रिक लगेगी ज़रूर समझाया जाएगा। एक त्रिकोण, ये आ गया कंसेप्ट का क्वेश्चन, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन, देखते हैं इसको। एक त्रिकोण और एक समांतर चतुर्भुज दो समान आधार पर बनाए गए हैं, इक्वल बेस पर बनाए गए हैं। पहले अपन कोई इक्वल बेस बना लेते हैं, ये इक्वल बेस बना लिया, लगभग बराबर दिख रहे हैं, ठीक है, ए बी, ए बी ये ट्रायंगल बना लिया अपन ने, ये सी बना लिया, यहां बोल रहा है समांतर चतुर्भुज, इसको समांतर चतुर्भुज बना दिया अपन ने, पैरेललोग्राम ये बन गया। अब हमसे क्या बोल रहा है, उनके क्षेत्रफल बराबर हैं। अब इनके क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अपन, इनके क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा और इस पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। ये दो बराबर भाग में बांटकर देखोगे, जितना हिस्सा ये होगा उतना ही हिस्सा इसके ऊपर होगा, तो हम आधे का निकालेंगे, इंटू टू करेंगे, पूरे का आ जाएगा हमारा। इसकी हाइट को अपन एच वन ले लेते हैं, एक जगह हाइट को अपन एच वन ले लेते हैं और एक जगह अपन हाइट को एच टू ले लेते हैं, जितना वो बोला है उतना अपन लिख देंगे। दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 1/2 बेस इंटू हाइट लिखा है, इसमें 1/2 बेस होगा ए बी और हाइट होगा एच वन, और यही दूसरी कंडीशन में लिखा 1/2 बेस ए बी और हाइट एच टू, लेकिन ऐसे कितने ट्राइंगल, ऐसे दो ट्राइंगल, टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, एच वन इज इक्वल टू 2H2। ये यहाँ से हमें पता चला, फर्स्ट लाइन से पता चला। आगे क्या बोल रहा है, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, मतलब H2 हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर। फिर क्या जानना चाहता है, त्रिभुज की ऊंचाई जानना चाहता है, ये जानना चाहता है, तो क्या आ जाएगा 2 into 5, मतलब कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हमें मिल रहा है, बड़े आराम से मिल गया ये। अगर हमें छोटी छोटी चीज़ें पता हैं तो 10 सेंटीमीटर बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, मुस्कुराएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, 3A और 15AB का LCM क्या होगा, बिल्कुल सीधा सरल सा क्वेश्चन, बिल्कुल सज्जन सा क्वेश्चन है ये। 3A और 15AB का LCM हमसे जानना चाहता है, 15AB, A दोनों में दिख रहा है, 3 का टेबल भी दोनों में दिख रहा है, दोनों को एक साथ ले लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 5 बचेगा और B बचेगा, 5 भी ले लेते हैं, 1 और 5 भी दोनों, सॉरी 1, ये पूरा सॉल्व हो गया, दोनों का इनटू कर देंगे, 15AB हमारा आंसर आ जाएगा LCM।
अगर HCF पूछता हमारा, जब तक दोनों कैंसिल आउट होते वहीं तक हम सॉल्व करते और वहीं जाकर बोल देते इतना हमारा HCF है। तो HCF अगर पूछता तो हम बोलते हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, ओनली 3 है। लेकिन LCM पूछा है तो पूरा 1 तक पहुँचेंगे और सभी का इंटू करके आंसर बताएंगे, 15 AB ऑप्शन नंबर, ये ऊपर नीचे हो गया यहाँ के हिसाब से, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। मुस्कुराएंगे टिक करके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। एवरेज पूछ रहा है यहाँ, अब कुछ भी मान लो आप एवरेज, डेविएशन मेथड आपको यहाँ समझाया जाएगा कि हम एक एवरेज ले लेते हैं, सिर्फ हम अपनी गलती चेक करते हैं, हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना करके सिर्फ अपनी गलती चेक करें कि हमने सोचने में कहाँ, अंदाजा लगाने में, तुक्का लगाने में कहाँ गलती की है। इसका तुक्का लगाएं, एवरेज क्या मान लें इसका, ऑप्शन में 50 के आसपास के दे रहे हैं, अपन क्या मान लें 50 है, 50 एवरेज मान लिया। अब हम अपनी गलती देखने को चलते हैं, गलती क्या होगा, ये मान लिया हमने 50 हमारा आंसर है। अब डेविएशन देखते हैं अपन, प्लस ज़्यादा होगा तो प्लस लिखेंगे, कम होगा तो माइनस लिखेंगे, और आंसर में भी वही कहानी, प्लस करना होगा तो प्लस में आ जाएगा, माइनस करना होगा तो माइनस में आ जाएगा। देखते हैं अपना 33, 50 से कितना कम, 17 कम, माइनस 17, फिर 40 माइनस 10, अगला 47 माइनस 3, अगला 54 प्लस 4, अगला 61 प्लस 11, अगला 71 मतलब प्लस 21, और कितने पर है ये गलती, 6 पर। देखते हैं गलती है कितनी एक्चुअली में, 10 और 11 यहाँ बच जाएगा 1, 17 और 3 20 ये बच जाएगा 1, 4 और 2 6, 6/6, और ये किसका है, प्लस का, तो मतलब कितना बचा, प्लस का 1, गलती कितने की अपनी 1, वो भी क्या करना है, गलती को प्लस करना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, 50 + 1, ये 1 का डेविएशन आंसर होगा 51, ऑप्शन नंबर सी। इसमें भी वैसे ही ऊपर नीचे ऑप्शन, मुस्कुराते हुए टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, 3x - 8/2x = 1, तो x का वैल्यू पूछ रहा है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग सभी से बन ही जाना चाहिए जिनने पेन उठाया है, तो इसको भी बोनस क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर सकते हैं अपन। 3x - 8, और इस 2x का यहाँ इंटू हो जाएगा सामने जाके, तो ये हो जाएगा 2x, 2x यहाँ आके सब्ट्रैक्ट होगा, घट जाएगा, 3x में से 2x कटाओगे बचेगा x, और ये प्लस का सॉरी माइनस का 8 इस तरफ आके हो जाएगा प्लस का 8, ऑप्शन नंबर बी मुस्कुराते हुए टिक करेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन, इसी तरह के इंटरेस्टिंग सेशंस के साथ जुड़े रहिए, मिलते रहेंगे लगातार अच्छे इंटरेस्टिंग सेशंस के साथ। थैंक यू आज के लिए।